कुछ समय पहले ही बॉलीवुड की पिगी चॉप्स यानी कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी माँ डॉक्टर मधु चोपड़ा के साथ पर्पल पेबल प्रोडक्शंस का निर्माण किया था, जिसके बाद उन्होंने 5 क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण करने की योजना बनानी शुरू कर दी। प्रियंका के प्रोडक्शन के बैनर की पहली फिल्म भोजपुरी फिल्म थी, जिसका नाम था बम बम बोल रहा है काशी, जिसमें मुख्य किरदार सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रियंका और उनकी मां ने सबसे पहले भोजपुरी फिल्म बनाने का ही फैसला क्यों किया और क्यों प्रियंका सुपरस्टार दिनेश लाल यादव के साथ ही काम करती हैं? चलिए सस्पेंस को खत्म करते हुए आपको बता ही देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जब डॉक्टर मधु चोपड़ा से सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि बिहार प्रियंका के लिए खास जगह है और इस वजह से वो सबसे पहले भोजपुरी फिल्म का प्रस्ताव आगे रखा गया। मधु चोपड़ा ने बताया कि प्रियंका जमशेदपुर में पैदा हुई थी और पहली स्कूली शिक्षा बिहार में ही हुई थी। उसके बाद प्रियंका मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद सबसे पहले बिहार का ही दौरा करने आई थी एवं प्रियंका भोजपुरी भाषा को भी अच्छी तरह से जानती हैं। वहीं प्रियंका के फेवरेट सुपरस्टार भी दिनेश लाल यादव हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।